नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड नर्सरी, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न राइट स्लैंटिंग लाइन। आज का हमारा टॉपिक है राइट स्लैंटिंग लाइन। आज हम सीखने वाले हैं स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे के अल्फ़ाबेट राइट करेंगे उसमें स्लैंटिंग लाइन आनी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज हम सीखने वाले हैं स्लैंटिंग लाइन। आज का हमारा टॉपिक है रेस एंड कंप्लीट द राइट स्लैंटिंग लाइन। आज हमें कौन सी लाइन सीखनी है? स्लैंटिंग लाइन। पहले हम उसे रेस करेंगे, फिर अपने आप ही राइट करेंगे। हमने आगे कौन सी लाइन सीखी थी? स्टैंडिंग लाइन। देखो ये कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन। फिर हम इस तरह
गई हमारी स्लैंटिंग लाइन। हाँ वेरी गुड। अब इस बॉक्स में भी आपको वैसे ही करना है। चलो रेड लाइन से शुरू करो। रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आपको इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनानी है और यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वहाँ पे फिनिश करते ही है। अब ये लास्ट बॉक्स में भी आपको वैसे ही करना है। देखो रेड लाइन है वहां से शुरू करके ब्लू लाइन तक ऐसे करना है। तो हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से आपको पहले ट्रेस करना है फिर बाद में अपने आप ही राइट करना है। अब हम एक्टिविटी करेंगे राइट साइड स्लेंटिंग लाइन की। देखो यहाँ पे मैंने स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ की हुई है। देखो ये क्या है? हाँ गेहूं। गेहूं यानी वीट। उसकी मदद से हम आज स्लेंटिंग लाइन बनाएंगे। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ इस तरह से। देखो हमें एक ही दाना लेना है इस तरह से, फिर इसके ऊपर ऐसे रखना है। देखो इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से दूसरा लेना है। इस तरह से आपको ऊपर रख कर जाना है। इस तरह से ध्यान से आपको धीरे धीरे ऊपर रख कर इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। देखो हुआ ना? हाँ तो आप लोग भी इस तरह से घर पे करना ऐसी एक्टिविटी ताकि आपको स्लेंटिंग लाइन आ जाए। ये जो स्लेंटिंग लाइन है वो राइट साइड की है तो आपको याद रहना चाहिए कि ये राइट साइड की स्लेंटिंग लाइन है। इस तरह से आपको बनाना है। देखो एक एक दाना लेकर आपको ऊपर रख कर जाना है इस तरह से। देखो हो गया हमारा कंप्लीट होने जाने वाला है। देखो ये हमारी स्लेंटिंग लाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम फिर एक करेंगे। देखो यहाँ पे फिर से एक दाना रखा, फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ऐसे ही अपने आप ही हम करेंगे गेहूं की मदद से। देखो स्लेंटिंग लाइन इस तरह से। देखो हुआ ना? हाँ तो इस तरह से हम पूरी स्लेंटिंग लाइन करेंगे। देखो एक बार ड्रॉ करके करेंगे, एक बार ड्रॉ किए बिना करेंगे ताकि हमें आ जाए। देखो हो गया। तो ये देखो गेहूं की मदद से हमने एक स्लेंटिंग लाइन बनाई और एक ड्रॉ किए बिना स्लेंटिंग लाइन बनाई। देखो ये क्या है? मूंग। हमने गेहूं से एक्टिविटी की, अब मूंग से भी करेंगे। तो ये कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखना और फिर बाद में करना। तो देखो यहाँ पे जो ड्रॉ की हुई स्लेंटिंग लाइन है ना उस पर भी हम ऐसे मूंग रख के करेंगे एक एक दाना लेकर इस तरह से। देखो ऐसे मूंग लेकर। देखो ये मूंग का कलर कौन सा है आपको पता है? हाँ ग्रीन कलर। कौन सा है? ग्रीन कलर। देखो इस तरह से एक एक दाना लेकर ड्रॉ की हुई स्लेंटिंग लाइन पर हमें रखना है इस तरह से धीरे धीरे। देखो एक एक करके लेना है ताकि जल्दी आ जाए आपको, और धीरे धीरे भी करना है। देखो इस तरह से एक एक दाना लेना है। आप एक्टिविटी करोगे ना तो आपको जल्दी से आ जाएगा। हमने राइटिंग तो किया पर एक्टिविटी करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। हमें स्लेंटिंग लाइन आना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे ही तो हम अल्फाबेट सीखेंगे आगे। देखो अब हमारी स्लेंटिंग लाइन कंप्लीट हो जाएगी। देखो इस तरह से ऊपर रख कर जाना है आपको।
देखो अब हमारी ये कंप्लीट हो गई। देखो हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, पर यहाँ की जो राइट साइड की स्लैंटिंग लाइन है वो हम इस स्टोन से करेंगे। देखो आपको ये स्टोन तो पता ही होगे, ये आप खोलते हो ना रोज इससे, हाँ तो इसकी मदद से हम आज करेंगे। देखो इस तरह से आपको ऐसे रखना है, रखा फिर यहाँ पे एक स्टोन रखना इस तरह से। आप जब खेलने जाओ ना तो ऐसे स्टोन की मदद से आप बना सकते हो इस तरह से, तो आपको जल्दी से आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, स्टोन की मदद से भी हम कर सकते हैं। देखो इस तरह से हो गया। तो देखो हमने स्टोन की मदद से भी स्लेंटिंग लाइन बनाई, मूंग की मदद से और स्टोन की मदद से हमने स्लेंटिंग लाइन कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आप लोग भी घर पे ऐसे ही एक्टिविटी करके सीखना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।